बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे माशाल्लाह से उतारे हैं, ये देखिए जनाब माशाल्लाह से ये सारे चूजे हमारे ठीक है। ये आगे वाला जो उनमें से एक बच्चा निकल आया, रेस्ट फरमा रहे हैं। देखे क्या बात है, रेस्ट कर रही हो आजकल? देखना ये है कि इनमें से किस किस को कामयाबी होती है। वेलकम टू आवर पेट सेटअप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों भाई बहनों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैर खैरियत से और माशाल्लाह से हमारे सारे जानवर भी खैर खैरियत से और माशाल्लाह से ये खुश भी बड़े हैं, क्योंकि खाना भी ना टाइम पे मिल रहा है इनका, हर चीज़ का ख्याल इनका प्रॉपर रखा जा रहा है, तो माशाल्लाह से हेल्दी और एक्टिव है माशाल्लाह सारे। और एक आज गुड न्यूज़ भी है, वो भी आपसे शेयर होगी जब अंदर जाता हूँ तो आपको बताता हूँ कि माशाल्लाह से ही गुड न्यूज़ है। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ, आज हमने ये करेले उतारे हैं, ये देखिए माशाल्लाह से टोकरी भर के उतारे हैं करेले, और अभी और मज़ीद लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये अंदर चलते हैं, अंदर जाके अंदर की भी अपडेट लेते हैं, और ये पहले मैं आपको करेले दिखा दूँ। देखिए जनाब ये सारे माशाल्लाह से उतारे हैं, और अभी यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ये चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे खासे करेले लगे हुए हैं, ये देखिए। तो आप भी अपने घर के अंदर ये देखें इस तरह से सब्जियां लगा सकते हैं, घर की सब्ज़ी एक तो फ्रेश और दूसरा हेल्दी भी। तो आप भी अपने घरों में इस तरह से सब्जियां जो होती हैं ना वो ज़रूर लगाएं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसी तरह से छत के ऊपर आप सेटअप अपना कर सकते हैं। अब अंदर चलते हैं और अंदर की अपडेट लेते हैं। दाना शाना मैंने डाल दिया हुआ था, और अंदर जाके आपको एक गुड न्यूज़ भी आपसे शेयर करनी है। आपको याद होगा कि ये जो हमारे दो जोड़े थे, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, जिसके नीचे हमने उसके मेरे जहन से नाम निकल गया, तितर के अंडे रखे हैं, इनके अंडे हमने रखे थे यहाँ पे इस जोड़े के नीचे। और ये देखिए माशाल्लाह से जो इस जोड़े के नीचे दो अंडे थे उनमें से एक बच्चा निकल आया माशाल्लाह। इसका देखता हूँ कामयाबी हुई है इसको कि नहीं, वो इसको भी निकले हुए है, ये देखिए इसका भी एक बच्चा निकल आया हुआ है, एक इसका निकल आया हुआ है और एक इसका निकला हुआ है। वाह जी वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों का एक एक बच्चा निकला है, और दोनों देखिए कितना से ड्यूटी कर रहे हैं बैठ के। और यहाँ पे हमारे चूजे सारे खैरियत से हैं, मैं आपको चूजे भी दिखा दूँ। चूजो किधर हो, ये देखिए ये चकोर के हैं दो, जो इस तरफ हैं ये वाले, और बाकी जो उनसे हैं ये हमारा टर्की के चूजा, ये एक चौंसा ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि ढीला हुआ है, बाकी सारे चूज़े ठीक हैं, वो देख सकते हैं आप। देखिए जनाब माशाल्लाह से ये सारे चूज़े हमारे ठीक हैं, ये आगे वाला जौनसा ना ये मुझे थोड़ा सा ढीला लग रहा है, बाकी तो सारे माशाल्लाह से एक्टिव हैं और सब ठीक है। ये हमारा टर्की का चूज़ा, वो दो हमारे चकोर के हैं, और बाकी मुर्गी के हैं। बाहर नहीं निकलना, बाहर ये खड़े हैं बदमाश, जिन्होंने अटैक करने में एक सेकंड नहीं लगाना, अंदर ही रहो। ये मैं वीडियो बनाने के लिए इनका टोकरा उठाया, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से बाहर निकल जाएं। चल सही हो जा फोकस, एक तो इसका फोकस जब हिल जाए तो सेट होने में थोड़ा टाइम लेता। ये देखे जनाब उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ढीली मुझे लग रही है, बाकी तो सारे माशाल्लाह से हेल्दी हैं। इनको मैंने कल प्रोग्राम आपको बताया था कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दूंगा, पर मैंने वहाँ नहीं किया, ये सारा टाइम यहीं पे रहे हैं और ठीक रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी के अंदर ये खुश रहता जानवर, तो मैं इन्हें बार बार चेक करवाता रहा हूँ घर फोन करके, तो माशाल्लाह से यहाँ पर ये ठीक रहे थे। तो आज भी इंशाल्लाह ताला से इनको
इसी टोकरे के नीचे रखेंगे, यहाँ पे ये सही रहेंगे। और यहाँ पे ये सारी फौज हमारी आ गई है उस कबूतर के साथ। खरगोश ने देखा क्या किया, इनके बस यही काम चलते रहते हैं। यहाँ पे इनको घास वगैरह डाल दिया और ये खा पी के देखे रेस्ट फरमा रहे हैं। देखे किस तरह से रेस्ट हो रहा। सुरंगें इन्होंने उधर से बनाई हुई हैं और आज यहाँ से भी ये खुदाई शुरू की है इसमें। पता नहीं ये करना क्या चाह रहे हैं, किस किस जगह से खुदाई इसने करनी है। आज कुछ मेरे ख्याल से ज़्यादा ही ओवरलोड हो गया है, जो खरगोश सारे ऐसे ढीले हुए पड़े हुए हैं। कबूतर हमारे यहाँ पे खा रहे हैं। अब ये देखिए इनको कामयाबी होती है, इनके तंडों से माशाल्लाह से वहाँ से बच्चे निकल आए हैं। अब इनको कामयाबी होती है कि नहीं होती ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनको कामयाबी हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लक्के ने अंडे दिए हैं अभी तक कि नहीं दिए। नहीं अभी तक नहीं अंडे दिए दोबारा इन्होंने। इनकी स्पीड लगता है स्लो हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से इसके ऊपर कितने ज़्यादा पंख आ गए हैं। हाँ जी क्या बात है, रेस्ट कर रहे हो आजकल, अंडे नहीं दिए अभी तक। एक अंडा इसके नीचे हमने रखा हुआ है तितर का, दो इसके नीचे हैं और दो ही अंडे उसके नीचे हैं। देखना यह है कि इनमें से किस किस को कामयाबी होती है। बाकी उन दोनों को तो माशाल्लाह से कामयाबी मिल गई है, एक एक बच्चा निकल आया दोनों के अंडे में से और दोनों ड्यूटी पे बैठे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे चूज़े माशाल्लाह से सारे, एक चूज़ा मुझे लग रहा है कि ढीला हुआ है, बाकी तो सारे माशाल्लाह से ठीक हैं। और ये थी आज की वीडियो और आपको उम्मीद है कि आपको सरप्राइज़ अच्छा लगा होगा। मुझे वैसे एक सरप्राइज़ का पता चला था कि एक बच्चा निकल आया हुआ है, यहाँ पे तो दोनों के बच्चे निकल आए हुए हैं और माशाल्लाह से दोनों केयर भी अच्छी कर रहे हैं और दोनों उम्मीद है कि मुझे ये पाल भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे मोहब्बत आप सब देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट से हमारा चैनल इंशाल्लाह तरह से ग्रो कर रहा है और ये करता जाएगा आगे। तो ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह पाक हम सब के जानो माल में बरकत डाले। मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपसे एक नई सुबह एक नई वीडियो के साथ। जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।